सावली शहर के वार्ड क्रमांक 2, 3 एवं 4 के विभिन्न समस्याओं को लेकर श्रमिक एल्गार संगठन के तत्वाधान में एक मोर्चे का आयोजन नगर पंचायत पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने सहभाग लिया। सावली शहर के वार्ड क्रमांक 2, 3, 4 में पीने के पानी की समस्या गहरा रही है और वहीं नगर पंचायत द्वारा दुर्लक्ष करने की वजह से विविध मांगों के निवेदन के संदर्भ में श्रमिक एल्गार संगठन के माध्यम से इस तपती कड़ी धूप में एक मोर्चा निकाला गया। सावली शहर में घरकुल की भी समस्या कायम है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग क्षतिग्रस्त मकानों में रहने के लिए मजबूर है। साथ ही नागरिकों को नियमित पट्टे मिले इसके लिए भी आवेदन करने के बावजूद नगर पंचायत इस ओर अनदेखी कर रही है। घरकुल के लिए 550 नागरिकों ने नगर पंचायत में आवेदन भरा था, मगर अभी तक उसमें से एक भी आवेदन मंजूर नहीं हुआ। साथ ही वार्ड क्रमांक 2, 3, 4 में नलों में पानी नियमित नहीं आने से कुछ कूप नालिका बंद रहने से पानी की बड़ी समस्या हो गई है। मजदूरों को काम ठीक तरीके से नहीं मिल रहा, जबकि इसके पहले रोजगार गारंटी योजना के काम देने के संबंध में एक आवेदन भी दिया गया था। ऐसी अनेक मांगों को लेकर इस कड़ी धूप में मोर्चे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। इस वक्त रामचंद ढुलके, रवि नेताम, संगीता गेडाम, शांताराम आदे, गौरव श्यामकुले, विशाल नर्मलावार, रेशमा वाड़ाई, रसिका गेडाम, ज्योति राउत आदि ने मुख्याधिकारी माधुरी सलामे को निवेदन सौंपा। मुख्याधिकारी एवं नगराध्यक्ष विलास यासलवार ने समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया। राष्ट्रगीत से इस मोर्चे का समापन हुआ। सिटी न्यूज के लिए हमारे विशेष संवाददाता सावली से प्रवीण गेडाम की रिपोर्ट। समस्या है, नाल्याचं काम नाही होत, आमच्या घरासमोर पाणी इतकं साठून राहते का, मच्छरचा त्रास आहे, पुलिया बनून नाही राहिलं। किती नगरसेवकाला पण सांगून आम्ही थकला आहो, नाल्याचं काम करून द्यावं आणि पुलियाचं पण काम करून द्यावं। आमच्या वाड्यात अशी समस्या आहे की पट्ट्याचा पण आम्हाला त्रास आहे, घरकुलसाठी पण त्रास आहे आणि पाण्याची सोय होती ते करून दिले, पण पाण्याचा पुन्हा आहे काही लोकांना, गरिबांना का ते तेवढ्या दूरून येऊ नाही शकत पाण्यासाठी। आणि विहिरीला पण असं आहे का खंबे लावून नाही देऊन राहिले, ते पण लावून द्यावं, समस्या आमची आहे। आणि जे काही अडचणी आहेत रोडचं पण, असे गोठाडी निघून आमच्या घरासमोर का माथारे लोक चालताना असे ठोक लागते, ते पण आमची समस्या करून दिली पाहिजे। मी